अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय नेम इज़ राना उस्मान। वेलकम टू जवेद पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किड्स मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर 6। इन यूनिट नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी रीड एंड राइट द टाइम यूजिंग डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक, कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स एंड मिनट्स टू सेकेंड, कन्वर्ट ईयर्स टू मंथ्स, मंथ्स टू डेज एंड वीक्स टू डेज, एड एंड सब्ट्रैक्ट, मेजर ऑफ टाइम विदाउट कैरिंग एंड बोरिंग, सॉल्व सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस। यू कैन सी हेयर एन एनालॉग क्लॉक एंड देयर आर थ्री नीडल्स, ब्लू कलर, रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। ब्लू इंडिकेट्स मिनट हैंड, रेड इंडिकेट्स आवर हैंड एंड ऑरेंज इंडिकेट्स सेकेंड हैंड। अब आप स्टूडेंट्स को इस एनालॉग क्लॉक में बताएंगे कि जो हमारे पास सबसे छोटी वाली सुई है, नीडल है, वो आर हैंड है। जो हमारे पास उससे बड़ी वाली है वो हमारे पास मिनट है, और सबसे बड़ी वाली जो हमारे पास है वो सेकंड हैंड को शो करती है। या आप इनको नीडल्स को ब्लैक बोर्ड पे एनालॉग क्लॉक ड्रॉ करके दिखाएंगे ताकि उनको नीडल्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। आप स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट बताएंगे, 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज़ इक्वल टू 60 seconds। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ द टाइम, तो आप उनको बताएंगे कि लेट सपोज आप 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप जितने आवर्स हैं उनको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 2 × 60 minutes एंड यू विल गेट द आंसर 2 × 60, 120 minutes। सो ऑन पेज नंबर 101, एग्जाम्पल 1, लेट्स रीड द टाइम ऑन दिस क्लॉक। आपने स्टूडेंट्स को रीडिंग ऑफ द टाइम ऑन द क्लॉक सिखाना है, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करें कि जो हमारी नीडल आर नीडल है वो 8 पे है, जो हमारी मिनट नीडल है वो 5 पे है, और जो सेकंड नीडल है वो 7 पे है। तो हम लोग टाइम लिखेंगे, सबसे पहले आर नीडल का टाइम लिखते हैं जो कि 8 है, उसके बाद हम लोग जो हमारी मिनट नीडल है उसका टाइम लिखते हैं। वो आपने सिखाना है स्टूडेंट को कि वो नीडल जिस पे होगी उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक यहाँ पे हमारी जो मिनट नीडल 5 पे है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। सिमिलरली आपने सेकंड्स के साथ भी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। जो ग्रीन नीडल यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जो सेकंड नीडल है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो आपके पास देखें टाइम लिखा हुआ है, 8 रेड में लिखा है, ये आवर्स को शो कर रहा है, 25 मिनट्स को शो कर रहा है ब्लू में लिखा है, और ग्रीन में 35 जो है वो हमारे पास सेकेंड्स को शो कर रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइम ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन डिजिट्स एंड इन वर्ड्स। अगर आप इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन को देखें, तो हम लोग सबसे पहले आर नीडल जो कि हमारी रेड वाली है उसको देखें, तो वो 10 पे है। हम सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद मिनट नीडल को देखेंगे वो 6 पे है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि जो वैल्यू होगी उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, फिर कॉलन लगेगा, और जो सेकंड की सी वैल्यू है हमारे पास वो 3 पे है, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 hours 30 minutes and 15 seconds। तो इसको आपने इसी तरह लिख देना है, 10 hours 30 minutes and 15 seconds। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें कि आपकी जो आर नीडल 8 पे है, जो मिनट नीडल आपकी 4 पे है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। जो सेकंड नीडल है वो 12 पे है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 8 : 20 : 60, पहले हम आवर्स लिखते हैं, फिर हम मिनट्स लिखते हैं, और फाइनली फिर हम सेकंड्स लिखते हैं। तो इसके टाइम्स टाइमिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 hours 20 minutes and 60 seconds। बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी सेम इसी पैटर्न पे आप लोग सॉल्व करवा देंगे। नाउ बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वी विल स्टडी दैट हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 12 hour टाइमिंग इनटू 24 hour एंड 24 hour टाइमिंग्स इनटू 12 hour।
Now we know that we can write times in two different ways, 12 hours format and 24 hours format. In the 12 hour format, we use the digit 1 till 12 and put AM or PM to show the time, such as 4:40 PM, 6:30 PM. यानी 12 आवर का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम AM और PM यूज़ करते हैं और 1 से लेके 12 तक डिजिट्स को यूज़ करते हैं. फॉर द टाइम बिटवीन 12 नून टू 11:59 इन द नाइट, यानी दोपहर 12 से लेके रात 11:59 तक हम PM यूज़ करते हैं. फॉर द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 11:59 इन द मॉर्निंग, रात 12 बजे से सुबह 11:59 तक हम टाइम के साथ AM यूज़ करते हैं. इन द 24 आवर फॉर्मेट वी यूज़ नंबर फ्रॉम 0 टू 23. जब 24 आवर्स को यूज़ करेंगे फॉर्मेट को, तो वहाँ पे हम डिजिट्स 0 टू 23 यूज़ करेंगे और उसमें हम AM और PM को यूज़ नहीं करते. सो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन इन 24 आवर्स फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे हम. इसमें 20:14:15 लिखा हुआ है. इसमें हम ये स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जब 12 आवर फॉर्मेट में जाना है तो आपने ये देखना है कि जो वैल्यू है वो 12 से कितनी ज़्यादा है. लाइक यहाँ पे 20 लिखा हुआ है डी पार्ट में ना, तो ये 12 से 8 डिजिट ज़्यादा है. तो टाइम इसका क्या बनेगा 12 फॉर्मेट में, 8 hours 14 minutes and 15 seconds. अगर दूसरी एग्जांपल देखें 17, तो ये 12 से कितनी ज़्यादा है 5, तो हम इसको लिखेंगे 5 hours 10 minutes 45 seconds. तीसरी एग्जांपल है 13, तो ये हमारे पास 12 से कितनी ज़्यादा है 1, तो इसका टाइम क्या बनेगा 1 hour 20 minutes 51 seconds. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. चूज़ वेदर वी विल यूज़ AM और PM टू कम्प्लीट दी सेंटेंसेस. आयशा के ईट्स हर ब्रेकफास्ट एट 7 AM, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है तो हम AM यूज़ कर देंगे. अहमद गो टू स्कूल एट 8 AM आएगा. यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को जिस तरह हमने पहले बताया था कि फॉर द टाइम बिटवीन 12 नून टू 11:59 इन द नाइट वी यूज़ PM. फॉर द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 11:59 इन द मॉर्निंग वी यूज़ AM. आमिना कम्स फ्रॉम स्कूल एट 2 PM. अयान गोज़ टू अ पार्क इन द इवनिंग एट 4 PM. ये सारे टाइमिंग्स क्योंकि 11:59 नून के बाद के, डेट इज़ वाई इनके साथ PM आ रहा है. बिलाल स्लीप्स एट 9 PM नाइट, तो ये PM आ जाएगा यहाँ पे. रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक्सरसाइज 6.1 में हम लोगों ने डिटेल के साथ एनालॉग क्लॉक डिजिटल क्लॉक में टाइमिंग्स को आइडेंटिफाई करना रीड करना सीखा, डिफरेंस ऑफ 12 आवर फॉर्मेट 24 आवर फॉर्मेट को सीखा, यूजेज ऑफ AM एंड PM विद टाइमिंग्स को सीखा. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.